हाय, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइस, मैं हूँ महक परवेज। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने ब्लैक हैंड्स को वाइट कैसे बनाएं। अगर सनटैन की वजह से आपके हैंड्स ब्लैक हो गए हैं या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हमारे हैंड ब्लैक हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो गाइस, आज जो मैं आपको होम रेमेडी बताने वाली हूँ, इसको यूज़ करने के बाद आपके हैंड वाइट हो जाएंगे। तो इसका सारा सामान आपको अपने किचन से ही मिल जाएगा और ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है हमारे हैंड्स के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसको नेक पर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी नेक ब्लैक है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, यहाँ पर हमने लिया है बेसन, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हैंड्स को वाइट बनाने के लिए। यहाँ पर हमने लिया है रोज़ वाटर, ये हमारी हाथों की गंदगी को दूर करता है एंड हमारे हाथों को क्लीन करता है। तो चलिए अब इसका पेस्ट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमें लेना है 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच रोज़ वाटर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मिक्स करना है, जब तक ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। देखिए, ये हमारा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अपने हैंड्स पर यूज़ कैसे करना है। तो गाइस, हमें इसको अपने हैंड्स पर अच्छे से यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हैंड्स के लिए, इससे हमारे हैंड्स की गंदगी दूर हो जाती है एंड हमारे हैंड्स वाइट हो जाते हैं। तो गाइस देखिए, 5 मिनट तक मैंने इसकी अच्छे से मसाज कर ली। अब हमें 10 मिनट के बाद इसको वॉश करना है। देखिए, 10 मिनट हो चुके थे, मैंने अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लिया। तो गाइस, जो होम रेमेडी मैंने आपको बताई है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे हैंड्स को वाइट बनाने के लिए। अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं या फिर आप हफ्ते में 3 से 4 बार इसको यूज़ करेंगे तो आपके हैंड्स वाइट हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको अपनी नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।